नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कल शाम को 5 बजे के करीब डायल 112 की टीम अटल आवास में दो पक्षों के झगड़ों को शांत कराकर लौट रही थी। इसी समय में गौरव पथ पर झगड़ सेवकों को देखकर पुलिसकर्मी द्वारा मार खा रहे युवक को बचाने पर मारपीट कर रहे युवकों ने आरक्षण से गाली गलौज कर उसकी गाड़ी से युवक को खींच कर फिर से पीटा। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने आरोपियों को जुलूस भी निकाला, जो उसके बाद न्यायालय में पेश किया। जानकारी के अनुसार कल अटल आवास में विवाद की सूचना पर ड्यूटी पर तैनात गांधीनगर पुलिस का आरक्षण अमरजीत सिंह वाहन चालक के साथ वहां पहुंचा और मामला शांत कराकर वापस गौरव पथ होते हुए जाने लगा। इसी दौरान गौरव पथ में 3 युवकों को करीब दर्जन भर युवक पीट रहे थे। इस घटना को देखकर आरक्षण ने वाहन रुकवाया और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए झगड़ा शांत करने का प्रयास करते हुए मार खा रहे युवकों में से एक युवक को बचाकर वाहन में बैठा लिया। इससे पहले कि वाहन आने वालों को बचा पाता, मारपीट कर रहे युवकों ने डायल 112 के वाहन को ही घेर लिया और गाड़ी में बैठे युवकों को खींचकर उतारने लगे। अमरजीत सिंह ने जब उसे बचाने का प्रयास किया तो मारपीट कर आरक्षण से भी गाली गलौज कर शुरू कर दी और युवक को खींचकर बाहर निकालने के बाद उसकी फिर से पिटाई शुरू कर दी। इस पर आरक्षण ने युवक को उनके चंगुल से बचाकर डायरेक्शन वाहन चालक बैठा लिया, परंतु आरोपियों ने फिर से आरक्षण वाहन चालक से गाली गलौज करते हुए डायल 112 के वाहन की चाबी निकाल ली और आरक्षण से नाम पूछकर उसे सस्पेंड कर देने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी जा चुकी थी, जिस कारण कोतवाली से अतिरिक्त बल गौरव पथ के लिए निकल चुका था। युवकों द्वारा डायल 112 की चाबी निकालकर गाली गलौज करने के दौरान ही पुलिस की अतिरिक्त टीम वहां पहुंच गई, जिस पर सभी आरोपी युवकों को छोड़कर भाग गए। 2 युवक मार खाकर सड़क पर ही पड़े हुए थे, जिसे आरक्षण ने बचाया था। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।